At the instant of the wife in the mubarra, either of the spouse may be make a proposal, and the aversion is the mutual. Both khula and the mubarat are the contract. khula और ये जो यहाँ पर मुबर्रत खुला और मुबर्रत जो है आर द कॉन्ट्रैक्ट, ये दो भी आके कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक बिजनेस की तरह, बिजनेस हम जो करते हैं ना, जैसे हम बिजनेस करते हैं उसकी उजगरी आती है तो उसमें फायदा होता है, उसमें मुनाफा बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें बेनिफिट्स आती हैं, तो बेनिफिट्स आने से हमें अच्छा लगता है कि घर लें, ये लें, बच्चों को देखें, सबको देखें, फैमिली को देखें, माँ बाप को देखें, सबको देखें और अपने को भी देखने बोल के। तो ऐसे ही जो मैरिज होती है इसमें खुला और मुबर्रत में भी आर द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस में होता है। कंसिस्ट होता है, प्रपोजल एक रखते हैं, ठीक है। प्रपोजल एक को भेजा जाता है, और एक आके एक्सेप्ट करना, अपने आप को हाँ मैं माना बोल के दे देते हैं। खुला लड़की देती है, लड़की देने से लड़का को अगर ऑफर इतना रखी है, तुझे इतने लाख दूंगी तो मुझे छोड़ दे बोलती है, तो आके लड़का अगर मान लिया, लड़का मान लेता है, प्रपोजल लड़की भेजती है, ठीक है। खुला से प्रपोजल लड़की भेजती है, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, ठीक है। अगर लड़का मान लिया तो एक्सेप्टेंस, हाँ मैं मान लेता हूँ बोल के। कोई भी चीज़ हम लेते हैं बाजार में, वो हमें पसंद आती है, देखो भाई मैं इतना ऑफर इसके ऊपर रखता हूँ, आप ले लेंगे क्या बोल के, हाँ मैं मान लेता हूँ, ले लेता हूँ बोल के। तो इसी तरह से ये आके इस्लाम में ऐसा है कि अगर आपको पसंद आई चीज़ ले सकते हैं, नहीं आई तो बीच में डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लाइफ किसी की भी बर्बाद ना करें, ठीक है। यही मेरी रिक्वेस्ट है। इन द तलाक खुला एंड मुबारक द वाइफ इज बॉन्ड टू ऑब्जर्व द इद्दा, ठीक है। ये आके जो तलाक देते हैं, तलाक और खुला में और मुबर्रत में, इसमें इद्दत होता है, किसको, वाइफ को इद्दत पीरियड, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। इट अपीयर्स दैट बाय अ मोहम्मदन लॉ डाइवर्स में बी मेड इन द एदर ऑफ टू फॉर्म। डाइवर्स जब होता है, तलाक जो होता है, दो फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है देखते हैं, तलाक और खुला, ठीक है। दो ये आके तलाक आके हस्बैंड की तरफ से होता है, खुला आके लड़की जो वाइफ होती है उसकी तरफ से हो। ए डाइवर्स बाय तलाक इज द मेयर आर्बिट्ररी एक्ट ऑफ द हस्बैंड हु मे रिप्यूटेड हिज एट हिज ओन प्लेजर with or without cause, but if he adopted the cause, he is liable to pay her dower or by deny a mohr, and as it is seems to give up any jewelries or perhaps belonging to her। अच्छा, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तलाक दिया जाता है लड़की को, किसके ज़रिए से, हस्बैंड के ज़रिए से तलाक दिया जाता है, लड़की को शादी करके लिया जाता है, उनके माँ बाप को, एक गरीब माँ बाप को, एक यतीम बच्ची के सर के ऊपर मैं हाथ रख के लेके जाके शादी करके एक यतीम के साथ शादी। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हस्बैंड कैसे तलाक देता है, क्रिमिनल हस्बैंड, ठीक है, निकम्मा हस्बैंड किस तरीके से तलाक देता है अपनी वाइफ को, ठीक है। वो आके अगर लड़की को भेजेगा अपने माँ बाप के घर 2-3 महीनों में, 1 हफ्ते में ही ले लो, भेजेगा, जाके लेके आ कुछ ना कुछ, अपना माल पानी लेके आ बोल के, आराम के साथ घुसते हैं, शादी कर लेते हैं गरीब लड़की को, और जाके उसके माँ बाप से पैसे लेके आने के लिए बोलते हैं ज़बरदस्ती। अगर माँ बाप नहीं रहे, उसकी लड़की के यतीम है वो लड़की, तो भी जाके माल के ऊपर नज़र है उसकी, हस्बैंड की और उसकी माँ की और उसकी बहन और बहन का हस्बैंड, सारे लोग उस लड़की के माल के ऊपर नज़र डाले होते हैं। अगर लड़की ने मौका पाके उस जो माल जो था, भाई ने दिया था माल, वो जाके बैंक में रख दिया, और उसके बाद वो निकम्मा हिजड़ा हस्बैंड ने दे दिया उसको तलाक। तलाक इसलिए दिया गया कि बाप उसका जो था लड़की का, माँ तो नहीं थी और लड़की का बाप था, उस इलाज के लिए आई थी, 1 हफ्ता ही हुआ था शादी होके, इलाज के लिए आई थी, बाप के इलाज के लिए, मगर वो निकम्मे हिड़े हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया। और वो लड़की कहाँ जाएगी, जाएगी तो कहाँ जाएगी, वो अगर मर गई आयशा की तरह, जो इंडिया में वो हादसा हुआ, आप सब लोगों उस वीडियो से, आयशा की वीडियो से वाकिफ़ हैं, आयशा आरिफ की वीडियो से वाकिफ़ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा ही कुछ वाक़या एक लड़की के ऊपर गुज़रा, तो बताइए दोस्तों, उस यतीम लड़की, बाप मर चुका है, माँ मर चुकी है, उस यतीम लड़की कहाँ जाएगी, बाप भी नहीं है। बाप जब शादी हुई थी माँ का तो इंतकाल हो गया था, और लड़की ने शादी कर ली इस वजह से कि उम्र घटती ना चले जाएं, तो लड़की ने आके शादी कर लिया उस लड़के से। वो लड़का भी नहीं है, मुझे मालूम हो कि वो लड़का ही नहीं है, वो निकम्मा एक हिजड़ा है, एक नामर्द है, मर्द के ऊपर कलंक है वो। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, जो भी लड़की को तलाक देता है निकम्मा या कुछ और ही रहता है। मैं सही बोल रही हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल है। जब आप लिखोगे, जब आप माशरे में ये जो होता है इस तरीक़े से तलाक, तो आप समझें जाइए कुछ ना कुछ इसकी वजह से ही होगा। तो 2 रकम के मर्द होते हैं, एक अच्छे होते हैं, ये ख़राब भी होते हैं, जो कि निकाबपन के फिर के घूमते फिरते रहते हैं दुनिया में, और दूसरों के घर में जाके लड़की का नाम बर्बाद करते हैं। ऐसे निकम्मे और नामर्द को ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अगर शादी भी हो गई, माँ बोल रही है, हस्बैंड बोलेगा कि माँ बोल रही है मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अब ये लड़की नहीं चाहिए, माँ बोल रही है, माँ तेरी आके शादी करी तेरे साथ में। मैं ये कहना चाहती हूँ, माँ आके तेरे साथ, तेरी लड़की के साथ शादी की, तू किया निकम्मे, तू किया, तूने ही किया ना, तू ही उसका देखभाल करना है ना। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कि माशरे को ख़राब करते हैं, हमारे अच्छे इंसानों का नाम ख़राब होता है। माँ की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, माँ पसंद नहीं कर रही है, माँ आके निके में तेरे आई, तू अल्लाह को वास्ता दे के शादी नहीं किया, अल्लाह का वास्ता दे के तू शादी करता है, मगर माँ का नाम लेके उसको लड़की को निकाल दिया जाता है घर से। तो एक आके प्लेजर में, दूसरों के प्लेजर में, हस्बैंड माँ के प्लेजर में निकाल देता है और दूसरा उसके खुद मुख्तियारी से करता है। मैं इस लड़की को तलाक देना ही है और इसने कुछ भी नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं, माल नहीं मिला तो तलाक तलाक 3 टाइम तलाक दे दिया जाता है। ऐसे निकम्मों को नंगा करके मारना है जो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी कि आयशा आरिफ की तरह मर ना सके कोई लड़की। हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने जो भी बेटियाँ हैं उनको बचा के रखिए, अच्छा पढ़ाइए, उनको काबिल बनाइए, उसके बाद शादी। और जो जब भी हस्बैंड तलाक देता है तो उसको जो भी मेहर होता है वो उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो दे रहा है वो पे करना पड़ेगा। लेबल वो होता है, कुछ ना कुछ डोर उसको देना पड़ेगा, लड़की को नहीं, क्योंकि वो दे रहा है। जैसे कि ज्वेलरीज दे सकता है जब वो देगा तलाक, या नहीं तो कुछ ना कुछ जो है उसका देना चाहिए, या नहीं तो घर भी देना हुआ तो घर भी दे सकता है, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है इस निकम्मे हिड़ों की। क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं चीज़ वो आप करोगे तो अच्छा लगेगा नहीं। सुकून की नींद नहीं आती, ऐसे इंसानों को सुकून की नींद नहीं आती। और तो चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं लड़की कैसे खुला देती है। तो चलिए देखते हैं लड़की किस तरह से खुला देती है। ये डाइवर्स by khula is a divorce with the consent and at the instant of the wife in which she gave or agree to give a consideration to the husband for her release। एक लड़की होती है, अगर हस्बैंड उसका टॉर्चर कर रहा है, हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रख रहा है, शादी के बाद उसके बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है, उसको कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इंस्टेंट तलाक दे सकती है उसकी औरत, जो निकाह में आती है वो दे सकती है। और जो भी मेहर इसको दिया जाता है इसके हस्बैंड ने, तो वो लड़की वो हस्बैंड को रिटर्न करना है, देना है वापस। अगर बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चे को भी दे दो, या नहीं तो उसने एक ज्वेलरीज दिया उसको, ज्वेलरीज को भी दे दो। अगर उसने ये आके एक आपको वाक़या बोलूँगी। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा थे, तो उनके टाइम पर औरत ने आके बोला, सहाबा की बीवी ने आके बोला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तलाक़ लेना चाहती हूँ इनसे। तो सहाबा से बोला जाएगा कि अच्छा, तुम जो भी इनसे लिया है, सहाबा से तुमने लिया है, तुम उसको पूरा रिटर्न कर दो, तब जाके खुला होगा, तब तुम आज़ाद हो जाओगी, रिलीज़ हो जाओगी, एक बंधन से रिलीज़ हो जाओगी। मुझे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगी, अच्छी नेक बीवी है तो वो कहाँ जाएगी। खुला मत दें और ज़िंदगी को चलाते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर हो गया तो अल्लाह निगेबान, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को खुला दे के आज़ाद कर दें। और ज़िंदगी का सफ़र कोई ना कोई इंसान मिल जाएगा ज़िंदगी में। अगर अल्लाह को डरने वाला है तो वही थामेगा आके आपका हाथ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हर एक लड़की को, हर एक लड़की को, हर एक औरत को जो खुला देती है, रिलीजिंग फ्रॉम द मैरिज टाई In such case, the term of the bargaining are a matter of arrangement between the husband and the wife, and the wives may, as the consideration, release her than more and other rights more makes and any other agreement for the benefits of the husband. अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रिलीज़ किस में? खुला में. खुला में जब रिलीज़ किया जाता है, रिलीज़ करते हैं फ्रॉम मैरिज, एक टाई, एक बंधन में बंधा जाता है, एक रिश्ते में बांधा जाता है. इन सच केस द टर्म बारगेनिंग आर ये मैटर अरेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ में अरेंजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट करते हैं. किस में? खुला में. खुला में मैं इतना दे रही हूँ, तुम मुझे खुला दे दो, मैं आपको इतना ऑफ़र कर रही हूँ कि मुझे आप रिलीज़ कर दो, ये बंधन से, एक शादी के बंधन से मुझे रिलीज़ कर दो, मुझे पसंद नहीं है, बोल के लड़की जा सकती है. तो रिलीज़ कर देना कौन करता है? हस्बैंड बोलता है. तो के हस्बैंड एंड द वाइफ, दोनों में भी वाइफ आके बोलती है, प्रपोजल देती है, हस्बैंड आके इसमें एक्सेप्ट करना है. किसमें? खुला में. एक्सेप्ट, अच्छा ठीक है, तुम मुझे इतना दे दो और मैं चला जाऊंगा, बोल के बोलता है. तो रिलीज़, क्योंकि इसमें जो नेक हस्बैंड होते हैं वो इनके ऊपर ऐसे होता है, तो इस हालत में वो खुला दे सकती है. औरत के ऊपर होता है, तो खुला दे के जा सकती है. अगर उसने नहीं दिया कुछ भी, महर के जो पैसे नहीं दिया, तो हस्बैंड आके फाइल कर सकता है, सूट कर सकता है कोर्ट में जाके, या नहीं तो मस्जिद में जाके बोल के, एंड द राइट्स और द मीन्स एंड अदर अग्रीमेंट फॉर बेनिफिट्स ऑफ द हस्बैंड. इसमें हस्बैंड का बेनिफिट्स होता है. किसमें? खुला में. अगर छोड़ के चले गई उसकी औरत, तो अगर बच्चे हैं या कुछ और है, तो उस वक़्त भी वाइफ आके इतना बांध के देना है, मुझे खुला चाहिए बोल के. ठीक है, तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे. ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखें और हमें ज़रूर से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी. तो एग्ज़ाम के तहत आप ये देख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, और ज़िंदगी माशरे में हमारे कैसे कैसे लोग होते हैं, तो कैसे कैसे डील करना चाहिए हमें सीखना चाहिए, इस्लामिक क़ानून हम जानना चाहिए, और हिंदुस्तान का जो क़ानून है वो भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी. हमें दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगेबान.